शरीर अपना स्वयं का कॉर्सेट बन जाता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही शक्ति के रूप में मौजूद हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना एक झूला भयानक ऊंचाई तक उड़ता है। लोगों और चीजों की रूपरेखा विलीन हो जाती है। अनगिनत कवियों और लेखकों ने पैनिक अटैक के अनुभव को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। एक सनसनी इतनी जबरदस्त कि कई लोग इसे दिल का दौरा, स्ट्रोक या अन्य जीवन घातक संकट समझने की गलती करते हैं। हालांकि पैनिक अटैक से लॉन्ग टर्म शारीरिक नुकसान नहीं होता है, लेकिन दूसरे हमले का डर किसी के दैनिक जीवन को सीमित और अधिक पैनिक अटैक का कारण बन सकता है। अध्ययन बताते हैं कि हम में से लगभग एक तिहाई को जीवन में कम से कम एक बार पैनिक अटैक का अनुभव होगा, और चाहे ये आपका पहला या 100वां हो, या आप किसी और को इससे गुजरते हुए देख रहे हो, कोई भी इसे दोहराना नहीं चाहता। यहाँ तक कि उनके बारे में जानना भी असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक है क्योंकि पैनिक अटैक को रोकने के लिए पहला कदम उन्हें समझना है। इसके मूल में पैनिक अटैक खतरे की धारणा के प्रति शरीर की सामान्य शारीरिक रिस्पॉन्स पर अत्यधिक प्रतिक्रिया है। ये एमिग्डाला से शुरू होती है, डर को प्रोसेस करने में शामिल मस्तिष्क क्षेत्र। खतरा महसूस होने पर सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जो एड्रेनलिन रिलीज को ट्रिगर करता है। एड्रेनलिन हाथ और पैरों की मांसपेशियों को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हृदय और सांस लेने की दर में वृद्धि को प्रेरित करता है। ये मस्तिष्क को ऑक्सीजन भी भेजता है, जिससे ये अधिक सतर्क और रिस्पॉन्सिव बनता है। पैनिक अटैक के दौरान ये प्रतिक्रिया खतरनाक स्थिति में उपयोगी होने की तुलना में काफी हद तक अतिरंजित होती है, जिससे दिल की धड़कन, भारी सांस लेना या हाइपर वेंटिलेशन होता है, रक्त प्रवाह में परिवर्तन के कारण चक्कर आना और हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। पैनिक अटैक आमतौर पर 10 मिनट के भीतर चरम पर होता है, फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एमिग्डाला से काम लेता है और पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। इससे एसीटोकोलीन नामक हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है, जो हृदय गति को कम कर देता है और धीरे धीरे पैनिक अटैक को कम कर देता है। पैनिक अटैक में शरीर की खतरे की धारणा वास्तविक खतरे के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए काफी होता है, और फिर कुछ। हमें नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन कभी कभी वातावरण में ऐसे संकेत होते हैं जो हमें पिछले दर्दनाक अनुभव याद दिला पैनिक अटैक ट्रिगर कर सकते हैं। पैनिक अटैक PTSD, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर OCD और सामान्य एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं। बार बार होने वाले पैनिक अटैक नए अटैक के बारे में लगातार चिंता और पैनिक अटैक से बचने के लिए व्यवहार में बदलाव से पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हो सकता है। पैनिक डिसऑर्डर के दो मुख्य उपचार हैं, अवसाद रोधी दवा और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या CBT। दोनों का रिस्पॉन्स रेट लगभग 40% है। हालांकि जिसको एक से फर्क पड़े, जरूरी नहीं है उसे दूसरे से भी फर्क पड़े। हालांकि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं और 50% लोग जब इन्हें लेना बंद कर देते हैं तो ये दोबारा हो जाता है। इस बीच CBT अधिक स्थायी है, केवल 20% रिलैप्स रेट के साथ। पैनिक डिसऑर्डर के लिए CBT उपचार का लक्ष्य लोगों को पैनिक अटैक से जुड़ी संवेदनाओं और विचारों पर शारीरिक और बदले में मानसिक नियंत्रण करने के लिए ठोस उपकरण सीखने और अभ्यास करने में मदद करना है। CBT पैनिक अटैक के शारीरिक कारणों की व्याख्या से शुरू होता है, फिर लोगों को सांस लेने के पैटर्न के सचेत नियंत्रण में मदद के लिए डिजाइन किए गए सांस व मांसपेशियों के व्यायाम है। इसके बाद कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग आता है, जिसमें उन विचारों को पहचानना और बदलना शामिल है जो अटैक के दौरान आम है, जैसे कि विश्वास करना कि आप सांस लेना बंद कर देंगे, दिल का दौरा पड़ेगा या मर जाएंगे, और उन्हें अधिक सटीक विचारों से बदलना। उपचार का अगला चरण शारीरिक संवेदनाओं और स्थितियों के संपर्क में आना है, जो आमतौर पर पैनिक अटैक को ट्रिगर करते हैं। लक्ष्य अनुभव के माध्यम से इस विश्वास को बदलना है कि ये संवेदनाएं और परिस्थितियां खतरनाक हैं। CBT के बाद भी किसी हमले की चपेट में आने पर ये कदम उठाना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास के साथ ये उपकरण हमलों को रोक और कम कर सकते हैं, और अंततः किसी व्यक्ति के जीवन पर आतंक की पकड़ को कम कर सकते हैं। औपचारिक चिकित्सा के बाहर कई घबराने वालों को उन्हीं मान्यताओं से राहत मिलती है जिनका उद्देश्य CBT का उद्देश्य है। डर आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन इसे बनाए रखने से घबराहट बढ़ जाएगी। भले ही आपको कभी पैनिक अटैक ना हुआ हो, उन्हें समझने से आपको खुद में या किसी और में पैनिक अटैक की पहचान करने में मदद मिलेगी, और उन्हें पहचानना उन्हें रोकने की दिशा में पहला कदम है। अधिक आकर्षक इतिहास, बाहरी अंतरिक्ष रोमांच
मन झुकाव दर्शन और आपके शरीर के बारे में सबसे यादृच्छिक प्रश्नों के उत्तर के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। हमसे जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।